नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए बिल्कुल अलग और नए तरीके की रेसिपी लेकर आए हैं। कभी कभी हमारा कुछ खास और अलग खाने का मन करता है, पर समझ नहीं आता कि क्या खाएं, तब आप ये टेस्टी रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। घर के हर सदस्य को जो बहुत ही पसंद आएगी। इसको बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो घर पर रखे हुए सामान से ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार। मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिनको रफली चॉप कर लिया है, वो मिक्सी के जार में डालेंगे। और मैंने ले ली थी 5 कलियां लहसुन की। ये थोड़ा मोटा लहसुन है, मैंने 5 लिया है, उसको छील लिया था। अगर छोटा लहसुन हो आप थोड़ा सा ज्यादा कर लें। थोड़ा सा लिया मैंने अदरक का टुकड़ा, इसे भी रफली चॉप कर लेंगे। इन सब चीजों को पीस कर एक कटोरे में निकाल लेंगे। अब ले लेंगे एक कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसको गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक तेजपात, 2 छोटी इलायची डाल रही हूँ, उसका मुंह खोल लें, और 1 टीस्पून डालेंगे जीरा। पहले इन सब चीजों को अच्छे से चला देते हैं, इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जीरा भी अच्छे से फूल जाए। ये हो गया। अब हम जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे इसमें, प्याज का, अदरक का, लहसुन का। अब ये चीजें अच्छे से भुन जाएं, मैं इसमें नमक थोड़ा सा अभी डाल दूंगी, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हम नमक बाद में भी यूज करेंगे। और प्याज को, इन सब चीजों को अच्छे से भून लें। देखिए प्याज हमारी हो गई है। अब हम गैस को स्लो कर इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, मैं उसका यूज कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने ली थी 3 से 4 हरी मिर्ची, उनको स्लिट कर लिया था, वो डाल रही हूँ। हरी मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखिए जो मसाले हैं ना, बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैंने लिए थे 2 टमाटर, जिनको मिक्सी में पीस लिया था, वो डाल रही हूँ। पहले तो टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे इस मसाले में, और टमाटर को हमने अच्छे से पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये टमाटर और मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर बाकी की तैयारी करेंगे। मैंने लिए थे 2 आलू, जिनको कुकर में उबाल लिया था और छील कर भी तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं ले लूँगी एक कद्दूकस, उससे आलूओं को कद्दूकस करूँगी। आप चाहें तो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस इसलिए कर रही हूँ कि इसमें गुठली ना रहे। दोनों आलूओं को हमने इसी ढंग से कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए हमने आलूओं को तो कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने लिया है 1 कटोरी पोहा, ये वही पोहा है जो हम नाश्ते में खाते हैं। आपके पास जो पोहा हो आप यूज कर सकते हैं। अब ये ग्राम के हिसाब से ये 50-60 के करीब है, ग्राम के करीब है। तो अब ले लेंगे हम मिक्सी का जार, इस पोहे को इसमें डालेंगे और इसको हमने पीस कर तैयार करना है। ये पोहे को तो हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब इस आलू में मैं पहले 4 बड़े चम्मच पोहा डालूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें 1 चम्मच और डालूंगी। ये 4 चम्मच पोहा डालने के बाद अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और ध्यान से डालें, हमने मसाले में भी नमक डाला है। मैं अभी 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, ये भुनी हुई पीसी हुई कसूरी मेथी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। पहले तो इन सब चीजों को चाहे आप चम्मच से या कड़छी से थोड़ा सा मिक्स कर लें। करने के बाद हमने हाथों से इसको एक डो के रूप में तैयार कर लेना है। इसमें 1 चम्मच पोहा मैंने और डाल दिया था, ये देखिए हो गया है। अब हाथों पे हमने लगाना है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा इसमें से मिश्रण तोड़ना है। पहले तो इसे स्मूथ करना है।
आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसको छोटी छोटी गोलियों के रूप में बनाऊंगी। ये देखिए इस ढंग से, इसी ढंग से मैं सारी गोलियां बनाकर तैयार कर लूंगी। देखिए इतनी डो में इतनी सारी गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रख दिया था, जब ऑयल तेज गर्म हो जाए तो गैस को मीडियम कर देंगे और इन गोलियों को धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। सारी गोलियां हमने इसमें डाल दी हैं और गैस को मीडियम कर देना है। अभी तो इसमें बबल्स आ रहे हैं, जैसे जैसे करारी होंगी ये ऊपर आ जाएंगी। इसे करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। देखिए हो गई हैं, इसे करने में 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। हमने गैस को बंद कर इसको छन्नी में निकाल लिया है, इसका ऑयल निकल जाए। अब ये मसाले वाली गैस को भी ना ऑन कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो गया। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैं 1 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तेज गैस पर एक उबाल आने देंगे पहले पानी में। देखिए उबाला आ गया। अब गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको हमने ढक देना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है ना, बहुत अच्छे से पक गई है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इन गोलियों को हमने इसमें डाल देना है। गोलियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है इसमें डालकर, बस इसमें डालकर मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। मिक्स हो गया है तभी इसको डालें जब आप सर्व करें, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये सब्जी बनकर तैयार है। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इस सब्जी को आलू पोहे के कोफ्ते भी कह सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबको बहुत ही पसंद आएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।